हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं किचन डिपार्टमेंट के कॉमी-3 पोजीशन की, उसके जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में, उसके स्किल्स के बारे में, उसके पास क्या होनी चाहिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, मैं होटल से रिलेटेड, होटल जॉब से रिलेटेड वीडियो बनाता हूं। तो प्लीज़ अगर आप इस फील्ड में इंटरेस्टेड हैं तो ये वीडियो पूरा देखिएगा, आपको काफ़ी आपका नॉलेज बढ़ेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कॉमी-3 जो पोजीशन होती है वो हमारे किचन डिपार्टमेंट में, जो कि एक होटल में एक डिपार्टमेंट होता है जिसको हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी कहते हैं, सबसे लोएस्ट पोजीशन भी होती है। इसमें जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, मैं बोलता हूँ मैं कॉमी-3 हूँ तो मुझे क्या क्या आना चाहिए, बेसिकली हम वही बात कर रहे हैं। मुझे कटिंग आनी चाहिए। बेसिक कटिंग का मतलब है कि मुझे चॉपिंग कैसे करते हैं, डाइस कैसे होते हैं, ब्रूनवास कटिंग क्या होती है, जूलियंस कटिंग क्या होती है, ये इन सब के बारे में प्रैक्टिकली पता भी होना चाहिए और मुझे फिजिकली उन सब चीज़ों के बारे में भी आना चाहिए, जो ये हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट होगी। इसके बाद मुझे अपनी जो बेसिक कुकिंग होगी, बेसिक कुकिंग अगर मैं कॉमी-3 डिपार्टमेंट में कॉमी-3 हूँ तो मुझे पता होना चाहिए बॉइलिंग कैसे होती है, पोचिंग क्या होती है, रोस्टिंग क्या होती है, स्टीमिंग क्या होती है, और साथ साथ मुझे व्हाइट सॉस कैसे बनाते हैं, जिसके हम लोग बेचमल सॉस कहते हैं, टमाटो सॉस कैसे बनाते हैं, ये सब बारे में पता होना चाहिए। अगर मैं इंडियन में कॉमी-3 हूँ तो मुझे ये पता होना चाहिए कि जैसे तंदूर में कैसे मुझे काम करना है, तंदूर में जो कोयला वगैरह डालते हैं वो कैसे करना है, मुझे बॉइलिंग आनी चाहिए, मुझे भुनना आना चाहिए अच्छे से, मुझे आटा लगाना आना चाहिए, मुझे पेड़े जो काटते हैं वो सब आने चाहिए। तो ये जो बेसिक हमने कॉमी-3 में हम लोग देखते हैं। इसके बाद में आपको बात करूँ, आपको ग्रूमिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, आप अच्छे साफ यूनिफॉर्म पहने, हमेशा क्लीन शेव रहें तो ज़्यादा बेटर लगते हैं, आपके बाल कटे हुए हों, आपके नाखून कटे हुए हों, तो ये सब बेसिक हमारी रिक्वायरमेंट होगी। उसके बाद मैं बात करूं अगर आपके नॉलेज की, तो आपको जो इक्विपमेंट्स का नॉलेज भी होना चाहिए, जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि आपके डिपार्टमेंट में क्या क्या इक्विपमेंट्स लगे पड़े हैं, तंदूर हो गया या आपके सैलामेंडर्स हो गए, बेन मैरी हो गया, आपका डीप फ्रेड फायर हो गया, आपको इनके बेसिक नॉलेज होना चाहिए, इनको कैसे स्टार्ट करना है, ऑन करना है, ऑफ करना है, आपकी सेफ्टी के लिए। आपको बेसिक फूड सेफ्टी के बारे में पता होना चाहिए, किस खाने पे टेम्परेचर को पकाना है, किस खाने पे हमें फूड को दोबारा से गर्म करना है, रीहीट करना है, हमारे डेंजर जोन्स क्या होते हैं, तो ये सब बेसिक चीज़ें जो आपको कॉमी-3 को पता होना ही चाहिए। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है, आपको ये सारी चीज़ें सीखनी है। इसके अलावा जो भी आपका डिपार्टमेंट हेड होता है, आपको किसी एक डिपार्टमेंट में असाइन कर देता है, आपको जो शेड्यूल्स दिए जाते हैं, आपका शूशेफ या आपका CDP आपको देता है, आपको उन्हें फॉलो करने होते हैं, आपको एज ए असिस्टेंट शेफ अपने CDP या DCDPO का हेल्प करना होता है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो कि एक कॉमी-3 के बारे में मैंने आपको बताई। तो दोस्तों, आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ इसे आगे शेयर कीजिएगा, साथ साथ अभी अगर आप किसी होटल में कॉमी-3 काम कर रहे हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा अपने एक्सपीरियंस के बारे में, ताकि मैं उनको आगे शेयर कर सकूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल का बटन आएगा उसे दबा दीजिएगा, ताकि मेरी जो लेटेस्ट वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।